छोड़ दी हुआ सर ने, ये पहले भी देखा। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने सोचा इतनी फेम तो है नहीं मेरी, लेकिन बाइक सभी को याद है ना। स्मोक स्टार्ट हो गया हुआ इधर, देख रहे हो मेरा दूसरा मन नहीं है वो, देखो ओ भाई 390 काम आने की यार। मेरा पुराने वालों का नंबर मिल जाएगा, लेंगे कभी ना साथ में। रिएक्शन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कहते हैं अपने, अरे आज नए नए बंदे हैं भाई। भाई सबसे पहले तो सभी को ना हैप्पी होली। तो आज होली है, तो यार मन नहीं था क्योंकि हमारे में होली मनाते नहीं है, लेकिन मैं होली मनाने नहीं, मैं तो बस छोटी सी राइड करने के लिए आया हूँ। आज तो नए नए दोस्त हैं, अपना ग्रुप वाला बंदा कोई भी नहीं आया हुआ है। कहाँ पर रहते हो आप? मैं तो आगे रहता हूँ। हाँ हाँ, अरे और ठीक हो? बस ठीक। मैंने सोचा इतनी फेम तो है नहीं मेरी, लेकिन बाइक सभी को याद है ना, बाइक के चक्कर में भाई सारे बुलाते हैं। तो भाई मिलके अच्छा लगता है जब कोई ऐसे रैंडमली बंदा मिल जाए। चल निकल, ये देखो तो रेस लगाने के चक्कर में आ रहा है ये बंदा। ऑटो वाले पूरे, चल बगा। चलो रे, ड्यूक वाला भी आ रहा है मेरे साथ, ये भी बंदा थोड़ा हाइपर राइड मारेगा। मुझे तो डर ही लगता है यार, ड्यूक से बहुत डर लगता है, मुझे पता नहीं क्यों यार। तो बाकी सारे पीछे आ रहे हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ अगर पीछे दिखते हैं ना। ये देखो एक ड्यूक वाला बंदा ही है मेरे साथ बस, ये भी हमारा दूसरा मन नहीं है वो, देखो वो कैसे निकले। चलो यार भाई, ये दोनों बाइक है ना, तो भाई करवा रही है आगे। ये जो अभी इधर खड़ी है, एक ड्यूक है 390 और एक अपना R15। ये क्या बना हुआ है, इसने पीछे क्या लगाया हुआ है ये उन्हें। भाई देख रहे हो आज कितनी बाइकें हैं, उधर ट्रैफिक पुलिस वाले सर भी खड़े हैं। ओ भाई 390 काम आने की यार, देख रहे हो। ओ अच्छा, बंदे ने तेल डलवाना है यार, अभी खड़े होते हैं पहले साइड पे, साथ में तेल डलवा लेते हैं। हर एक को ना शौक होता है राइडिंग के चक्कर में ना, बंदा कुछ भी करता है यार अपने अपने शौक। जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो तब भाई मैं भी ऐसे लगाता था, पता नहीं क्या क्या हेलमेट पे लगाता था सब, छपरियों वाला। ये भी सारे अपने यार दोस्त ही हैं, तो सारे इकट्ठे होके हुए हैं, पता नहीं बोल रहे राइड पे निकलना है, लेकिन भाई आज तो मैं लॉन्ग रूट पे जाऊंगा नहीं। तो भाई कलर स्मोक स्टार्ट हो गया हुआ इधर, देख रहे हो ये क्या चीज है यार। तो भाई हम आ गए हुए अभी हाईवे पे, देख रहे हो कैसे सारे बाइकें भगा रहे हैं आज। भाई आज ना मतलब कि त्यौहार है कोई, और त्यौहार पे ना ऐसी मस्ती करनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से चलो। देख रही स्कूटी वाला, ना ही उसने भाई हेलमेट लगाई हुई, ना ही कुछ। भाई कहीं भी जा रहे हैं ना, लाल पीले मुंह देखने को मिल रहे हैं आज सभी के। मेरे ख्याल से आज सिटी भी बंद लग रही है मुझे। ओ ओ यार, मेटाडोर के आगे आ गया था 390 वाला अभी। क्या हाल है, बड़े दिनों के बाद मिला तू, कहाँ होता है और सब ठीक है, घर पे सब ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक। भाई काजल भाई मिल गए थे, बड़े दिनों के बाद मिले ये भी। वो देखो ये, वो देखो देख कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये बैलून? ओ हाँ यार, डाल दे इस पे भी, इस पे डाल, नंबर प्लेट पे ज़्यादा जरूरी है। नंबर प्लेट पे और डाल थोड़ा सा कलर, बस ठीक है। गिला कलर नहीं है, गिला नहीं होना। इधर सारे ना कलर लगा रहे थे, मैंने बोला भाई मुझे छोड़ दो, मेरी बाइक को लगा दो यार अगर आप चाहते हो तो। ये देखो कलर ही कलर। ओ यार क्या ये, सारे होली मना रहे हैं क्या यार। इधर से ना मैं राइट हो जाऊंगा, बस मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं निकलूँ यार बाहर। कि लड़की जा रही है ना, इसने यार मुझे बैलून मार दिया था, लेकिन मेरे बजा नहीं, शातिर बन रहे थे ना अपने आप में, लेकिन मैंने ऐसे कट मार लिया तो मैं बच गया। निकलते अब इनसे आगे, इनका कोई पता नहीं फिर से बैलून मार दे मुझे। देख रहे हो ये सारे होली वाले हैं, होली की गैंग है ये। फेंकना नहीं है, इधर से निकलना पड़ेगा। तो भाई बड़ी मुश्किल से ना मैं अभी हाईवे पे पहुंचा हूँ, तो इधर से निकलते थोड़ा सा फुल थ्रॉटल भाई, जो कि कलर शलर ना जो मेरी बाइक पे पड़ा हुआ ना वो उड़ जाए। वैसे तो गिल्ला कलर ना किसी ने फेंका नहीं है, तो सूखा कलर था तो वही फेंका हुआ है। तो यार मैंने किसी को नाराज नहीं किया, बंदा था एक यार, और एक लड़की बोल रही थी कि मैंने कलर फेंकना, उसने जैसे ही भाई फेंकने लगी ना, मैंने ऐसे कर दिया साइड पे, क्योंकि हमारे में ना यार होली मनाते नहीं है, तो इसलिए मैंने मना किया। मैंने बोला यार मेरी बाइक पे फेंक दो, लेकिन मेरे ऊपर नहीं फेंको।
तो यार अच्छा नहीं लगता यार, कलर चलो फेंक के घर पे जाऊंगा ना तो फिर घर वाले भी गुस्सा करेंगे। तो आज गलती मेरी थी कि आज यार मैं घर से बाहर निकला। तो भाई छोड़ दियो भाई, सर ने पकड़ी हुई थी दो बाइक इधर चेक कर रहे हो। चलो तो भाई जो मेरी बाइक लगी हुई है ना इधर देखो, ये अपने सारे सरदार भाई है, मैंने उनके पास अपनी बाइक लगा के आऊँ। SHO सर ने ना मुझे दूर से ही इशारा कर दिया था, मैं ऊपर से घुमा के लेके आया हूँ बाइक, देख रहे हो इधर। हाँ जी भैया, मेरा पुराने वालों का नंबर मिल जाएगा? हाँ भैया, हाँ भैया, कोई बात ना, वो भी ब्लॉक करता है। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। पुलिस वाले सर ने मेरा चालान काटना था तो वो इधर आके मेरे साथ गप्पी लगाने बैठ गए। पता ना बाइक को लेके बहुत रिएक्शन आते हैं, देख रहे हो रिएक्शन। खुशी होती है जब ना बाइक को देख ऐसे रिएक्शन आते हैं। तो बंदे रैंडमली मिल गए थे, तो अब मैं बहु प्लाजा रुका हुआ था यार, वो यार दोस्त बैठे हुए पीछे सरदार जी अपने, तो उनके पास बैठा था। अब इधर से निकल रहा हूँ मैं, अंडे बजे हुए हैं बंदे के सर में, ये देखो। ओ यार क्या मजा, देखो इधर भी। एहे, रहा नहीं जाता। ट्रैफिक तो आज बिल्कुल भी नहीं है, बाइक चलाने का भी यार आज मजा आ रहा है। मैंने सोचा यार किसी के साथ क्या व्लॉग करना है। जब भी बाइक ना थोड़ी सी भी कर्व पे ना लिटाता हूँ ना, तो ऐसे बाइक ना ऐसा लगता है मुझे कि ना हवा में हिलती है। तो यहाँ तो बंदा नहीं कोई पीछे बैठा होता, यहाँ तो मैं अकेला होता हूँ, उसका भी भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है अगर अकेला बंदा भी हो तो। सुन रहे हो आवाज़? इस आवाज़ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी। आप तो निकलो मैं घर पे, मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।